पैसे जो इलेक्शन कमीशन है अब मुंशी कहने के ऊपर माइंड करते हैं तो मैं असिस्टेंट कह लूँ तो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से इस वक्त वो एक्ट कर रहे हैं। दूसरी, तुम लोगों को तुम्हारी जुबान में बात करना ही समझ आता है, ना तुम लोगों में अकल ना शकल, तुम लोग अनपढ़ नीम पागलों पे मुश्तमिल एक जमात हो। मुझे ये बताओ कैप्टन सफदर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने जिस तरह से टांग के ऊपर गोली लगने के ऊपर बोला एक मवाली, एक गुंडे, एक जाहिल, एक अनपढ़ की जुबान तुमने बोली के जी लंगड़ा, और भी बहुत सारे लंगड़े होंगे, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जिस फैमिली की तुम पैरवी करते हो उनमें कोई एक बंदा नॉर्मल है तो बताओ। तुम लोगों के अगर टेस्ट कराए जाए ना तो नीम पागल हो तुम लोग सारे, तुम्हारे लीडर और तुम्हारे फॉलोअर तुम सारे। लिहाजा मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब को लोग फॉलो करते हैं ना, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत और उनकी अकल और उनकी शक्ल, जिसका तुम लोगों को माशाल्लाह से बकायदा कॉम्प्लेक्स है, सर्जरियां करा करा के पागल हो गया पूरा खानदान। दोबारा बोलती हूँ, उनकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको कौन कौन सी कामयाबियों से नहीं नवाजा, कौन कौन सी किस किस मैदान में अल्लाह ने इज्जतों से नहीं नवाजा। लिहाजा अल्लाह का ये फैसला है, इस मुल्क के 22 करोड़ 75 लाख अवाम का ये फैसला है कि वो शख्स काबिले इज्जत है, काबिले तकरीम है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये रियासत पाकिस्तान जिसमें हर मेरे मुल्क का आयन हमें तहफ़ फराहम करता है, लेकिन वो सिर्फ आयन करता किताबों में है, बजाय इसके कि इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के सबसे बड़े खैराती इदारे चलाने वाले एक रहनुमा, इस मुल्क के सबसे शानदार प्लेयर, उनके ऊपर कातलाना हमले के ऊपर तहकीकात कराई जाती, तहकीकात कराना तो दूर की बात, उन्हें तहफ्फुज़ फराहम किया।